नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 के मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल प्रश्न पत्र, और ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक, प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को पूर्ण व्याख्या सहित हल कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। 3 का घात 0 इंटू 4 का घात 0 इंटू 5 का घात 1। तो यह हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घातांक या पावर अगर 0 होता है तो उसका मान होता है 1। तो यहां भी मान होगा 1, गुना इसका भी मान होगा 1, गुना 5 का मान होगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। 128 इनमें से किसके बराबर है? तो 128 को ये घातांकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है ऑप्शन में, तो देखना है कौन सा घातांकीय रूप सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। आइए 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 128, तो हम लोग जानते हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, और आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। तो हम लोग देख रहे हैं 2 से इसमें भाग लग सकता है, तो ये हो जाएगा 64 बार में जाएगा, पुनः ये जाएगा 32 बार में, पुनः ये जाएगा 2 से ही जाएगा 16 बार में, पुनः 2 से जाएगा ये 8 बार में, और पुनः 2 से जाएगा ये 4 बार में, पुनः 2 से जाएगा ये 2 बार में। तो 128 का हम लिख सकते हैं, 128 को जो इसका अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पहले इसको गिन लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां है 1 2 3 4 5, और ये 6, और ये 7 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात 7। तो 128 लिखा जा सकता है 2 का घात 7 के रूप में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 है, 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2 बराबर है। तो पहले एक घातांक का नियम देखते हैं, वो है a का घात m इंटू b का घात m। तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू b का घात m, अर्थात a b का पावर घात m। तो आइए ठीक इसी नियम पर यह आधारित है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां भी देखिए आधार अलग है लेकिन घातांक एक है, तो 2 गुना 5 का घात 2। अब 2 गुना 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 का घात 2, और 10 का घात 2 अर्थात क्या हुआ, 10 गुना 10 यानी 100। तो अब देखिए ये जो 2 गुना 5 का घात 2 है, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन में है, ये ए नंबर ऑप्शन में है, और ये बी नंबर ऑप्शन में है। यानी 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2 ये ए के भी बराबर है, बी का ऑप्शन बी के भी बराबर है, सी के भी बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, पी क्यू इंटू 6, और इसका आता है 468, और हमें पी और क्यू का मान बताना है। तो आइए इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं। तो
यहां पहले q का मान देखते हैं। तो q का ऐसा कौन सा मान है, यानी कौन सा अंक है ये q कि 6 से गुना करेंगे तो इकाई में 8 आता है। तो आप देखिए 6 से यहां पर 1 2 3 ऐसा रख के देखिए, 1 रखते हैं तो 6 का 6 इकाई में 1 आता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि q का मान अगर हम 3 रखते हैं या 8 रखते हैं तो यहां इकाई में 8 आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से 3 और 8 रख के देखते हैं। तो पहली बार हम q का मान रख रहे हैं 3 और इसको गुना करेंगे 6 से, तो ये 6 तिहाई 18 के 8 हो जाएगा, 1 यहां हासिल में हो जाएगा। और यहां पर जोड़ कितना है 468, तो यानी यहां पर 45 होना चाहिए, तभी तो यहां पर 1 जोड़ेंगे तो ये 46 हो जाएगा। तो 6 को किस अंक से गुना करें कि 45 हो, तो ऐसी कोई अंक नहीं है। अगर 7 से करेंगे 6 से 42 होता है, 8 से करेंगे 6 8 48 होता है, 45 तो आता नहीं है, तो ये 3 तो नहीं हो सकता है। अब q का मान हम 8 रख के देखते हैं, P 8 into 6, तो ये होगा 6 8 48 का 8 और हासिल रह जाएगा यहां पर, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, 6 8 48 का यहां 8 लिखेंगे और 8 लिखेंगे और हासिल रहेगा 4, के लिए ऊपर में 4 लिखते हैं। अब यहां पर नीचे लिखा हुआ है हमारा 4 6 8 468, तो यहां पर कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए, तभी तो 4 2 6 होगा। तो ऐसे कौन सा अंक है जिससे 6 को गुना करेंगे तो 42 है, तो पी का मान अगर 7 रखते हैं तो आ जाता है ये। तो हमारा आंसर आ गया पी बराबर 7 और क्यू बराबर 8, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भाग है, तो चलिए हम लोग ये भाग की क्रिया करते हैं। 20x² y / 5xy, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 20x² y, और ये बटा में लिखते हैं 5xy। अब इसका गुणनखंड हम करते हैं 20 का, तो 20 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5, और इसके बाद होगा x × x × y, और ये बटे में हो जाएगा 5 × x × y। तो देखिए ये y कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या गया 4x, 2 2 4 और x, तो ये हमारा a नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये है x + y² - 4xy को सरल करने पर होगा, तो आइए इसे सरल करते हैं। यहां पर x + y² - 4xy, तो x + y² को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x² + y² + 2xy - 4xy। अब देखिए ये +2xy है और ये -4xy है, तो ये हो जाएगा -2xy, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x² + y² - 2xy। लेकिन ये जो है किसका एक्सपेंडेड रूप है, ये है x - y² होल स्क्वायर। अब आप ऑप्शन को देखिए, ये a नंबर ऑप्शन है, ये b नंबर ऑप्शन है और ये c नंबर ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से सभी d नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ये गुणनखंड का प्रश्न है, x⁴ - 81 का गुणनखंड होगा, आइए यहां पर करते हैं गुणनखंड। तो इसे हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -9,
का 9 स्क्वायर। तो ये किस सर्वसमिका पर आ गया? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स यहां ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 9 है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। और इसे पुनः हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो देखिए ये जो दूसरा हमारा फैक्टर आया, दूसरा गुणनखंड जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर फिर इसी रूप में आ गया। तो अब पुनः हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 सॉरी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये समीकरण है x प्लस 3 इक्वल टू 10 में x का मान निकालना है। तो इसे हम यहीं पर हल कर रहे हैं, या जब हमें समीकरण हल करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो चर है उसे हम बाएं तरफ रखते हैं और बाकी जो रहता है अचर उसे दाईं ओर ले जाते हैं। तो यहां चर x है, इसे हम बाईं ओर छोड़ दिए, तो यहां पर ये बराबर में 10 है और ये प्लस 3 इधर आ जाएगा दाहिनी ओर, तो माइनस 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा मान 7। ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वह संख्या x हो। तो जो समीकरण हम बनाते हैं तो जो स्टेटमेंट में लिखा होता है बस वैसा करते जाते हैं, हमारा समीकरण बन जाता है। तो संख्या हमारा x है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक संख्या को 3 से गुना करने पर, तो और संख्या तो x है तो 3 से हमने गुना किया 3x हो गया। 5 घटाने पर, चलिए 5 घटा दिए, अब क्या होता है 28 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब बराबर, कितना प्राप्त होता है 28। तो यह हमारा समीकरण तैयार हो गया और यह कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिशत से है यह सवाल। 30 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा? तो पहले हम यह निकालेंगे कि कितना आलू सड़ गया। तो सड़ गए आलू इक्वल टू कितना सड़ा है? 300 किलोग्राम का सॉरी 10% है ना, 10% अर्थात 300 गुना 10 बटा 100। तो ये सुन और ये सुन, ये सुन और ये सुन, ये कट गया तो हमारा आ गया कितना केजी? 30 किलोग्राम। तो हमारा आलू कितना सड़ गया? 30 किलोग्राम सड़ गया है। तो बचा कितना? बचे आलू कुल था 300 और इसमें से 30 सड़ गया, तो कितना बच गया? 270 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस पार्ट टू वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक हल किया है। आशा है कि आपको ये हल काफी मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।